हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हर्ष योगा के बारे में। हर्ष योगा जो है वो विपरीत राज योगा की श्रेणी में आता है, और हर्ष योगा में सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, हर्ष यानी खुशी। तो खुशी आपको कब मिलती है? खुशी आपको जब मिलती है जब आप किसी परेशानी से बाहर निकलते हैं, तो उसको हर्ष बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो योगा है, हर्ष योगा, ये आपको परेशानियों से बाहर निकालता है। परेशानी यानी ऋण, रोग, शत्रु, कर्जा, परेशानी, कोर्ट केसेस, एलिगेशन, तमाम ऐसी चीजें जो इंसान अपने जीवन में देखना पसंद नहीं करता है, उन सब चीजों से ये हर्ष योगा पार लगवा देता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हर्ष योगा आपके वर्ष आठ में कैसे बनता है। लेकिन हर्ष योगा जिसके भी चार्ट में बनता है, उसको जीवन में बहुत कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। ऐसे लोगों के सामने कर्जा, शत्रु, एलिगेशन, बुराइयां, बदनामी, ये सारी चीजें शुरुआती जीवन में जुड़ी रहती हैं, और इन सब चीजों को पार करते हुए ऐसा इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करता है। लेकिन हर्ष योगा का जो बेनिफिट है वो आपको जब मिलता है जब उसकी दशा चलती है, यानी जिस ग्रह के कारण हर्ष योगा आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है, जब उसकी दशा चलती है तब आपको ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन ऐसे योग में, जैसे मैंने बताया कि इंसान को शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद उसको तरक्की मिलती है। तो चलते हैं हर्ष योगा की तरफ। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, किसी भी चार्ट में ऐसा योग बन सकता है। हर्ष योगा को अगर हमें समझना है तो सिक्स्थ हाउस को समझना है और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को समझना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका एसेंडेंट लियो है, मान लेते हैं 5 नंबर आपका एसेंडेंट है, तो यहां पर जो राशि है, यहां पर राशि आ रही है 10 नंबर राशि का जो लॉर्ड है वो है शनि। शनि की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है तो आपके बर्थ चार्ट में हर्ष योगा बन जाता है, यानी सिक्स हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में प्लेस्ड हो तो आपके लिए अच्छा होगा। सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में होता है, सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर होती है, तब भी आपके चार्ट में हर्ष योगा बन जाता है। और ऐसा हर्ष योगा किसके चार्ट में है? आर्यन खान जो आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं, उनके चार्ट में ये वाला हर्ष योग बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में कैसी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं और आगे चल के इनका क्या होगा, क्योंकि हर्ष योगा इनके बर्थ चार्ट में बना है, तो जरूर ही कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट इनको जरूर मिलेगा। और दूसरी बात यह कि सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में होता है, मान लेते हैं कि 4 नंबर साइन में सैटर्न की प्लेसमेंट यहां पर है, तब भी आपके चार्ट में हर्ष योग बन जाता है। तो ऐसे योग में होता क्या है? सिक्स्थ हाउस यानी एनिमी, कर्जा, एलिगेशन, बुराइयां। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आता है तो आपके जो एनिमी हैं उनके साथ जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, यानी उनकी डेथ भी हो सकती है, उनके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है जिसके कारण उनको बहुत बड़ा लॉस। ट्वेल्थ हाउस का संबंध नाश से है, जो भी नाश होता है, जो भी चीजें बर्बाद होती हैं, जो भी लॉस होता है, उसका संबंध भी ट्वेल्थ हाउस है। जैसे एट्थ हाउस यानी लॉस, वैसे ट्वेल्थ हाउस भी लॉस। ट्वेल्थ हाउस का मतलब लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो सिक्स हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में जाता है तो आपके जो शत्रु हैं वो बहुत वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, और उनकी जो स्थिति है वो इतनी बेकार हो जाती है कि वो आपके सामने स्टैंड नहीं कर सकते हैं, यानी आपके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी उनकी परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस यानी कर्जा, बीमारी, शत्रु, और ट्वेल्थ हाउस यानी लॉस। तो आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई ऐसा योग बन रहा है कि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में ही है या एट्थ हाउस में है या ट्वेल्थ हाउस में है, तो आपके चार्ट में हर्ष योग बन जाता है। लेकिन ऐसे हर्ष योग में जीवन में आपको बहुत ज्यादा कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। शुरुआती जीवन में आपके ऊपर कर्जा भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकते हैं, कोई ना कोई एलिगेशन, कोर्ट केस, ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। लेकिन जब भी शनि की दशा चलेगी तो आपको बेनिफिट मिलता है। और इस हर्ष योग में, इसको जैसे बोला जाता है विपरीत राज योगा, विपरीत का मतलब क्या हुआ? विपरीत का मतलब ये हुआ कि कोई चीज बिल्कुल डाउन जा रही है और अचानक से वो चीज फिर ऊपर आनी शुरू हो जाती है। यानी अगर आपकी परिस्थिति बहुत डाउन हो चुकी है और आपकी कुंडली में अगर हर्ष योग बना हुआ है तो उसके बाद आपको दोबारा से तरक्की मिल जाती है।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया हर्ष योग के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर हर्ष योग बन रहा है और ऐसे योग को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।